सोशल साइट्स पर महिलाओं को शादी का झांसा देकर उसे लूटने के आरोप में मुंबई के साइबर सेल ने किया एक आरोपी को गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। देश भर में सोशल साइट के माध्यम से लोग जो है अपना जीवन साथी ढूंढते हैं, उसी में कुछ ऐसे लोग भी है जो काफ़ी पढ़े लिखे होते और वो जो है इसका नाजायज फ़ायदा उठाकर सोशल साइट पर जो भी शादी के लिए लड़कियाँ आती है उन्हें अपने प्यार के झाल में फंसाकर उन्हें शादी का झांसा देते हैं और इसी की आड़ में जो है मोटी कमाई कर लेते हैं। ऐसे ही एक आरोपी को मुंबई की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है, जो कि 2013 से लेकर अभी तक का 12 महिलाओं को अपने शादी का झांसा दे करके उन्हें फंसा चुका है। अगर हम इस आरोपी की बात करें जिसे साइबर सेल ने गिरफ्तार किया, इसका नाम सतीश गुराड़ है। इसने जो है पढ़ाई में क्रिमिनल साइकोलॉजी और LLB कोर्स कर रखा है और मास्टर भी है। इसने जब इसे पूछताछ की गई तो इसने पूरे मामले को उजागर किया और कहा कि शादी का वादा करता था और वादा करने के बाद महिलाओं से जो है मोटी रकम हासिल करता था। अब इस पूरे मामले में DCP ने क्या जानकारी दी है साइबर सेल के, हम आपको सुनाते हैं। और आरोपी ने 30 से ज़्यादा उम्र वाली महिलाओं को अपने चंगुल में फंसाया है और ऐसी भी काफ़ी सारी महिलाएं इसमें जिनका डिवोर्स हो चुका है और उन्हें अपना शिकार बनाया था। तो ये पूरे मामले को लेकर के सुनिए DCP जी ने क्या जानकारी दी है और किस तरीके से मुंबई की साइबर सेल ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल साइबर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 25/21 ये CR रजिस्टर हुआ है। इसमें डिवोर्सी और सिंगल महिलाओं को मैट्रिमोनियल साइट पे प्यार का झांसा देके वो अपने जाल में फंसाता था और उनसे बहुत सारे पैसे उगाही करता था। हमारे पास एक लड़की की कंप्लेंट आई थी जिसको वो उसके मोबाइल के में से फोटोज लेके उसको मॉर्फ करके ब्लैकमेल भी कर रहा था। उसकी कंप्लेंट पे हमने ये कंप्लेंट रजिस्टर किया है और इसमें इस आरोपी को अरेस्ट किया है। इसके इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है ये अलग अलग नाम से झांसा देता था। इसने 4 नाम पहले बदल चुका है और टोटल इस लड़की को उसने 50 लाख के लिए उसको ठगा है। इसके पहले उसके ऊपर 10 मामले डिफरेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज है और हमारे तहकीकात में और 10 लड़कियों के नाम सामने आए हैं जिनमें मैट्रिमोनियल साइट में प्यार का झांसा देके उनको फंसाया जा चुका है। इसने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, क्रिमिनल साइकोलॉजी में इसका मास्टरी है और इसने LLB के लिए भी एडमिशन लिया था और LLB के भी 2 साल वो कंप्लीट कर चुका है। ये अपने प्यार में लड़कियों को फंसाता था और उनसे पैसे लेता था। मैट्रिमोनियल साइट या जॉब साइट पे से वो लड़कियों को टारगेट करता था, उनको जॉब दिलाने का झांसा देता था या शादी का बहाना लेके उनसे पैसे लेता था। बेसिकली मोटा मोटा देखा जाए तो क्या क्या रीजन देके पैसे मांगता है? अलग अलग रीजंस है। कभी उसने कहा है कि मैं IB का ऑफिसर हूँ, कभी उसने मेरे पिताजी IPS है, कभी और किसी चीज़ के लिए। एक केस में उसने मेरे पास IT की रेड हुई है तो उसको पैसे रिटर्न करने के लिए पैसे चाहिए। ऐसे बहुत डिफरेंट रीजन देके लड़कियों से पैसे लिए हैं। आप लोगों से क्या बात? आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी अगर किसी नाम से मैट्रिमोनियल साइट पे या किसी जॉब साइट पे अगर उनसे पैसे मांगे गए हैं तो वो तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन को या सेंट्रल साइबर पुलिस स्टेशन को संपर्क करे और हमारे PI को इसके तहकीकात में आगे की तहकीकात में हेल्प करे। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई TV। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।